नरेंद्र मोदी सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बारिश की बात हम लोग लगातार आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं।